हेलो, मैं हूं करण बजाज। अगर मैं अपना करियर देखूं तो मैं उसको दो हिस्सों में देखता हूं। एक 2013 से पहले जब मेरा प्रोग्रेस काफ़ी स्टडी था, फिर एक 2013 के बाद जब मेरा प्रोग्रेस काफ़ी एक्सेलरेट हुआ, चाहे मेरे करियर में जब मैं डिस्कवरी का हेड बना, या फिर मेरी राइटिंग में, या फिर मेरे स्टार्टअप आइट जूनियर में। क्योंकि 2013 में मैं वो एक टेक्निक सीखा जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल करके कोई भी सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं। तो आज मैं वो टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी कोई भी गोल बना के उसको मास्टर कर सकें। ।2013 में अपने करियर से ब्रेक लेकर जब मैंने योगा सीखा तो वेदांता में एक प्रिंसिपल था लर्निंग का। वो कहते थे कि लर्निंग के तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले श्रवणा, लर्निंग थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग, बुक्स पढ़ो, लोगों की बातें सुनो और उससे लर्निंग करो। सेकंड स्टेज मनना, लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, उसको सिंथेसाइज करके अपना थीसिस बनाओ सब्जेक्ट पे। एंड तीसरा और फाइनल स्टेज निधि ध्यान, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, जो भी आपने रिफ्लेक्ट करा है, जो भी आपने रीड करा है, जो भी आपने लिसन करा है, उस सब को अब एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करो। एंड अगर आपने ये तीन स्टेजेस करे, श्रवणा, मनना, निधि ध्यान, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था क्योंकि उसके बाद मैंने जो भी प्रोजेक्ट उठाया उसको इसी लेंस से अप्रोच करा, श्रवणा, मनना, निधि ध्यान। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना स्टार्टअप करा तो फर्स्ट फेज में मैंने जितने भी बुक्स थे स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी पॉडकास्ट थे, वो सब सुने, पढ़े एंड खूब रिसर्च करा स्टार्टअप्स के ऊपर। फिर उसके बाद एक डेडिकेटेड टाइम था जब मैंने रिफ्लेक्ट करा कि मुझे कौन से फील्ड में बनानी है अपनी कंपनी, कैसी होनी चाहिए वो कंपनी। तो एक रिफ्लेक्शन और मनना फेज था और उसके इमीडिएटली बाद मैंने सीधा एक्सपीरियंस में डाइव करा और कोडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये मेरा थर्ड और फाइनल फेज था निधि ध्यान। तो ये तीनों फेजेस लर्निंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं वो रीडिंग का फेज नहीं करता तो शायद मैं वही मिस्टेक्स करता जो बहुत लोग पहले कर चुके हैं। पर सिंस मैंने इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी, इतना ज़्यादा पॉडकास्ट सुना था, मैंने काफ़ी मिस्टेक्स रेप्लीकेट नहीं करी। और अगर मैं जल्दी एग्जीक्यूट नहीं करता, थर्ड और फाइनल स्टेज निधि ध्यान नहीं करता, तो बस एक आइडिया बना रहता, जैसे बहुत से स्टार्टअप एक आइडिया बन के रह जाते हैं। बट ये तीनों फेजेस लर्निंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, रीडिंग, रिफ्लेक्शन एंड देन एक्सपीरियंस। तो कैसे यूज़ करें ये तीन स्टेप्स लर्निंग के अपने गोल्स अकम्प्लिश करने के लिए? सबसे पहले ऑब्वियसली अपने गोल सेट कीजिए। एंड मेरा गोल सेटिंग का प्रिंसिपल ये है कि गोल शुड बी बिग एंड सेल्फलेस। बिग इसलिए, बड़े इसलिए, क्योंकि जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना रास्ते में आपके कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड उतने आप कॉन्फ्लिक्ट ओवरकम करेंगे और उतनी आपकी पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो जितना बड़ा गोल बना सकते हैं उतना बड़ा गोल बनाइए। एंड सेकंड, सेल्फलेस, क्योंकि बड़े गोल्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है उसको अकम्प्लिश करने में। एंड तभी एनर्जी बनी रहती है जब ऐसे लगता है कि ये अकम्प्लिश करके बहुत ज़्यादा लोग का इम्पैक्ट होगा, सिर्फ मेरा इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत लोग का इम्पैक्ट होगा। तो अगर गोल्स बिग और सेल्फलेस हैं तो आपका गोल बहुत अच्छा है। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे 5 किलो वेट लूज करना है, या फिर एक गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे कंपनी बनानी है। दोनों गोल्स हैं, दोनों में आपकी मेंटल एनर्जी जाएगी, पर दूसरे वाले गोल में बहुत लार्ज स्केल इम्पैक्ट है, इसलिए ऐसे बड़े और सेल्फलेस गोल्स चूज़ कीजिए। तो अब आपने ये गोल बना लिया है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करें? ये एक OKR फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स फॉर्मेट, जो मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा। जॉन डोयर नाम के ऑथर ने ये बनाया था, जो गूगल जैसी कंपनीज अब यूज़ करती हैं। हम लोग ने भी वाइट हैट जूनियर में यूज़ करा था जब टीम में 5 लोग थे, फिर 50, फिर 500, फिर 5000, एंड हर टाइम ये बहुत ज़्यादा यूजफुल था अपने क्वार्टरली गोल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये OKR फॉर्मेट क्या है? किसी भी गोल को तीन स्टेप्स में ब्रेक कीजिए। पहला आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या रिजल्ट्स आप ट्रैक कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहे हैं या नहीं, एंड तीसरा क्या इनिशिएटिव्स लेंगे ये रिजल्ट्स को डिलीवर करने के लिए। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरा इस क्वार्टर में एक गोल, मेरे तीन बड़े गोल्स हैं उनमें से एक गोल मैं ब्रेक करता हूँ। एक गोल ये है कि मैं एक नॉन फिक्शन बुक लिखूंगा, एक सेल्फ हेल्प बुक लिखूंगा जो 10 times सुपीरियर है किसी भी और नॉन फिक्शन बुक से, ताकि बहुत ज़्यादा लोग का इम्पैक्ट हो सके। ये मेरा एक गोल है जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव में ब्रेक करा कि राइट अ 10x नॉन फिक्शन बुक। उसके बाद की रिजल्ट्स, मैंने ये रिजल्ट लिया है कि जब मैं ये बुक कंप्लीट करूँगा तो एक top 5 पब्लिशिंग डील, एक पब्लिशिंग डील मिलना चाहिए मुझे एक टॉप पब्लिशिंग हाउस से, बिकॉज ये वैलिडेशन है कि ये बुक इतना अच्छा है। एंड क्या इनिशिएटिव्स फॉलो कर रहा हूँ इसके अंदर? एग्जैक्टली वही श्रवणा, मनना, निधि ध्यान फिलॉसफी है। पहले मैं रीड कर रहा हूँ सिमिलर जॉनर में जो बाकी बुक्स हैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ और उनको पढ़ रहा हूँ। सेकेंड रिफ्लेक्शन, मैं आउटलाइन कर रहा हूँ अपनी बुक। एंड थर्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि राइटिंग, मैं हर रोज 400 वर्ड लिख रहा हूँ ताकि कुछ महीनों में ये बुक कंप्लीट हो जाए। अगर ये तीनों चीज़ें मैंने करी, मैंने रीड भी करी बुक्स इस जॉनर में, रिफ्लेक्ट भी करा उनके ऊपर और लिखा भी,
तो मेरा ये गोल अकम्प्लिश होने का बहुत अच्छा चांस है। क्या ये फ्रेमवर्क श्रवणा मनना निधि ध्याना रीडिंग रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस आपके लिए यूजफुल था? आप क्या टेक्निक्स यूज करते हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए? डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में लिखिए। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज योर टाइम वेल भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट टिप्स को ब्रेक डाउन करा है। मैं हूँ करण बजाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।